Good morning everyone, this is Navneet Jangi from Adarsh Palanikatan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to read English grammar, chapter number 3. The name of chapter is synonyms. So first of all, before we start, we must need to know that what is the mean of synonyms. ठीक है, हमें ये जानना है कि synonyms होते क्या है. ठीक है, synonyms क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं, synonyms ऐसे words होते हैं जिनका सबका जो मीनिंग है वो एक जैसा होता है. ठीक है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं सिनोनिम्स मीन्स सिनोनिम्स क्या होता है. सिनोनिम्स का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स या फ्रेज. सिनोनिम्स मीन्स ए वर्ड और फ्रेज. क्या होता है? या तो एक वर्ड होता है या फिर एक फ्रेज होता है. अब फ्रेज और वर्ड में क्या डिफरेंस होता है? देखो, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, शब्दों का जो समूह होता है उसे हम फ्रेज बोलते हैं. ठीक है, तो सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? ए वर्ड और फ्रेज दैट हैज द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड और द फ्रेज इन द सेम लैंग्वेज. जैसे कि एक वर्ड है या फिर इसकी जगह एक फ्रेज है. ठीक है, अगर ठीक है, और फिर क्या होता है? और इसके अलावा कोई दूसरा फ्रेज है या दूसरा वर्ड है उसका भी मीनिंग इस फ्रेज के समान ही हो तो हम इसे बोलते हैं सिनोनिम्स. ठीक है, कि दो शब्दों या दो शब्दों के समूह का जो अर्थ होता है वो एक जैसा होता है उन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे बिग है. ठीक है, बिग का मतलब होता है बड़ा. ठीक है, तो इसी तरह बिग का सिनोनिम्स और क्या हो सकता है? एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब भी क्या हो? बड़ा ही हो. तो जो लार्ज वर्ड है LARGE, लार्ज भी क्या होता है? लार्ज का मतलब भी होता है बड़ा. ठीक है, तो इन दोनों में हम कह सकते हैं कि बिग और लार्ज क्या है? आपस में सिनोनिम्स है. ठीक है, क्योंकि लार्ज का मतलब भी बड़ा होता है और बिग का मतलब भी बड़ा होता है. ठीक है, इन चीजों को हम बोलते हैं सिनोनिम्स. जैसे कि अपने पास फर्स्ट वर्ड है पीस. पीस का मतलब होता है शांति. क्या होता है पीस का मतलब? शांति. तो अपने पास जो पहला वर्ड आता है वो है पीस. पीस वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? पीस का मतलब होता है शांति. ठीक है, जहां पर कोई भी शोर ना हो उसे हम कहते हैं पीस. तो पीस के लिए हम और कौन सा वर्ड यूज में ले सकते हैं? वो हम ले सकते हैं क्वाइटनेस. क्या चीज? क्वाइटनेस. क्वाइटनेस. ठीक है, तो क्वाइटनेस क्या है? क्वाइटनेस एक वर्ड है. ठीक है, जो कि किससे मिलकर बना है? जो कि दो शब्द से मिलकर बना है, जिसमें क्या क्या? एक तो क्वाइट है, दूसरा नेस है. ठीक है, पहला वर्ड क्या है? क्वाइट. दूसरा वर्ड क्या है? नेस. ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं क्वाइटनेस है वो क्या है. बड़ा तो नोटबुक में जो करने होंगे ना मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, चैप्टर खत्म होगा तब. ठीक है ना, तो अपने पास दो वर्ड है क्वाइट प्लस नेस. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शांति, जहां पर शोरगुल ना हो. ठीक है, तो वो पीस वर्ड है वो भी क्या होता है? शांति. तो क्वाइटनेस और पीस, क्वाइटनेस और पीस क्या है? आपस में सिनोनिम्स है. ठीक है, क्योंकि क्वाइटनेस का मतलब क्या होता है? शांति. और पीस का मतलब क्या होता है? शांति. ठीक है, इनको हम बोलते हैं सिनोनिम्स. ऐसे ही वर्ड है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसी जगह है जहां पर क्या हो. फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह है जहां पर क्या हो? जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा हो. ठीक है, ए लैंड ऑफ एरिया वेयर द वेजिटेशन इज इन ए लार्ज स्केल. एक ऐसा जमीन का हिस्सा जहां पर बहुत बड़ी
मात्रा के अंदर या फिर बहुत बड़े एरिया में क्या हो, पेड़ पौधे हो, उसे हम फॉरेस्ट बोलते हैं। इसीलिए इसी तरह फॉरेस्ट के लिए जो और वर्ड काम में आ सकता है, कोई दूसरा ऐसा ही वर्ड जिसका मतलब भी सेम क्या हो, ऐसी जगह से हो जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा हो, तो हम उसे बोलते हैं जंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, जंगल। तो फॉरेस्ट का सिनोनिम्स क्या बन जाएगा, जंगल बनेगा। ठीक है, इसी तरह है रूट। रूट क्या होता है, ROUTE, रूट। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, अपने पास वर्ड है ROUT, रूट। रूट का मीन्स होता है रास्ता। तो रास्ते के लिए हम और कौन सा वर्ड काम में लेते हैं, रास्ते के लिए हम दूसरा वर्ड क्या काम में लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रास्ता। ठीक है, तो रास्ता के लिए हम और कौन सा वर्ड काम में लेते हैं, रास्ता के लिए हम एक दूसरा वर्ड काम में लेते हैं, इसको हम बोल सकते हैं वे, WAY। तो वे के मीन्स भी क्या होता है, वे मीन्स भी क्या होता है, रास्ता होता है। इसी तरह है जो तो रूट और वे क्या है, आपस में सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपन। नेक्स्ट वर्ड का मतलब है फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब क्या होता है, फ्रेंड, अगर हम फ्रेंड की, फ्रेंड वर्ड की बात करते हैं तो FRIEND, फ्रेंड का मतलब क्या होता है, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। तो दोस्त के लिए हम और दूसरा वर्ड क्या काम में लेते हैं, दोस्त के लिए हम दूसरा वर्ड काम में लेते हैं कंपेनियन। ठीक है, दोस्त, फ्रेंड मतलब दोस्त या फिर साथी, क्या बोलते हैं इसको, दोस्त या साथी बोलते हैं। तो इसके लिए हम दूसरा वर्ड और क्या काम में लेते हैं, सर सर, अरे आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, 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 आवाज नहीं, आवाज आ रही मेरी बेटा? यस सर, अब आ रही है, इतनी देर से नहीं आ रही थी। ठीक, अब आ रही है ना? यस सर, अब आ रही है। ठीक, क्लियर आवाज आ रही, नहीं आ रही? थोड़ी धीरे आ रही है सर, आ रही है। ठीक है बेटा, ठीक। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा जो फ्रेंड होता है, फ्रेंड का मतलब क्या होता है, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। तो फ्रेंड के लिए हम दूसरा वर्ड और कौन सा काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड का हम सिनोनिम्स क्या काम में ले सकते हैं, और फ्रेंड के लिए हम काम में लेते हैं कंपेनियन। कंपेनियन,
कंपेनियन वर्ड काम में लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कंपेनियन जो वर्ड है उसका मतलब होता है साथी, ठीक है। फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स दोस्त बोल सकते इसको हम, दोस्त या फिर साथी बोलते नहीं बोलते, ठीक है। इसी तरह फ्रेंड के लिए दूसरा वर्ड काम में आता है सिनोनिम्स, वो क्या होता है, वो अपना होता है कंपेनियन, ठीक है। कंपेनियन इसका मतलब क्या होता है, दोस्त या साथी होता है, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं, चलो अब हम पढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज को पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अपनी एक्सरसाइज कौन सी है, अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है वन डे, फिर आगे ब्लैंक ऑफ एलिफेंट पास थ्रू दैट एरिया, मतलब क्या इसका, एक दिन हाथी का जो भी होगा झुंड होगा वो उस जगह से गुजरा। तो देखो अपन को दे रखा है, जो आगे ब्रैकेट है उसमें दे रखा है फ्लॉक, तो फ्लॉक का मतलब क्या होता है, फ्लॉक जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, झुंड होता है, ठीक है। क्या होता है, झुंड होता है, फ्लॉक मतलब झुंड। सर हाँ सर, ये जो इंग्लिश ग्रामर है इसमें इसमें सारा ही बुक में करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, सारा नहीं करना, इसका जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज है सिर्फ वही करना है, ठीक है। नोटबुक में क्या, नोटबुक में जो आपका एक्सरसाइज है सिर्फ वही करना होता है, ठीक है। ओके सर। अब देखो फ्लॉक वर्ड दे रखा है, अपना जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि वन डे ए ब्लैंक ऑफ एलिफेंट्स पास थ्रू दैट एरिया, आगे दे रखा है अपन को फ्लॉक। तो पहले समझो फ्लॉक का मतलब क्या होता है, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, होता है ना झुंड। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा ही वर्ड चीज का मतलब क्या हो, झुंड हो। लेकिन ध्यान रखना जो फ्लॉक है वो किसके झुंड के लिए आता है, वो आता है जो होते हैं ना बर्ड्स, बर्ड्स के झुंड को अपन क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। इसी तरह अगर हाथियों का झुंड होगा तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे हर्ड, क्या बोलेंगे हर्ड, एच ई आर डी, हर्ड यानी क्या होता है, जानवरों का झुंड, हाँ ठीक है। अगर ऐसे ही इसके जगह अगर एलिफेंट की जगह यहाँ पर दिया होता लायन, लायन दिया होता तो क्या बनता लायन को, तो लायन का झुंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लायन के झुंड को बोलते हैं अपन प्राइड, ठीक है, प्राइड बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स है जिनका अर्थ जो होता है समान होता है, लेकिन उनका यूज क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में होता है, ठीक है। से नेक्स्ट सेंटेंस है, मूषक राज वाज वेरी ब्लैंक विद गजराज, अब दे रखा है चीयरफुल। अब चीयरफुल होता है इसका मतलब क्या होता है, देखो चीयरफुल ब्लैंक दे रखा है अपन को, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें ब्लैंक में दे रखा है, अपना जो कोस्टा क्वेश्चन दे रखा है चीयरफुल। चीयरफुल जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खुश होना। तो खुश होने को हम और क्या बोलते हैं, एक तो बोलते चीयरफुल और एक बोलते अपन हैप्पी, बोलते ना हैप्पी। तो ये हैप्पी क्या बन जाएगा, हैप्पी इस चीयरफुल का क्या है, एक सिनोनिम्स है, ठीक है, इसका एक प्रायवाची सिनोनिम्स है। आगे देखो थर्ड अपना क्वेश्चन है, बॉयज व्हाई आर यू मेकिंग ए साउंड, अब देखो ब्लैंक दे रखा है, ठीक है, थर्ड के अंदर, और फिर ब्रैकेट में दे रखा है साउंड। अब साउंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आवाज, होता ना आवाज। लेकिन साउंड आता कहाँ से है, साउंड जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं उसको बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में से जो आवाज निकलती है उनको अपन साउंड बोलते हैं। तो बच्चे जो हैं, बच्चे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तो नहीं है ना, तो इसमें साउंड की जगह क्या आएगा, नॉइज, क्या आएगा, नॉइज, एन ओ आई सी ई, क्या आएगा, नॉइज आएगा, ठीक है। तो नॉइज का मतलब क्या होता है, नॉइज का मतलब क्या होता है, नॉइज का मतलब होता है आवाज निकालना, एन ओ आई एस ई, शोर करना, आवाज निकालना। तो नॉइज, नॉइज जो है वो वर्ड वो किसके लिए काम आता है, नॉइज जो वर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को छोड़कर जितने भी चीजें हैं उन सबसे जो आवाज निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम नॉइज बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, रोहित सिट्स ऑन ए बेंच अंडर ए ब्लैंक बैनियन ट्री, ब्रैकेट में क्या है, ह्यूज, अभी मैंने बताया था ह्यूज का मतलब क्या होता है,
अपने पास जो वर्ड है ह्यूज, इसका मतलब क्या होता है? ह्यूज का मतलब होता है जो आकार में बहुत ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, इतना बड़ा हो कि हम उसके सामने, सर आपने फोर्थ का नहीं कराया। हाँ ये भी करा देंगे, ठीक है। तो फिफ्थ का देखो एक बार, तो इसमें क्या दे रखा है? ह्यूज दे रखा है। तो ह्यूज का मतलब क्या होता है? ह्यूज का मतलब होता है जो आकार में बहुत ज्यादा बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि उसके सामने जो दूसरी चीजें सब कैसे लगे, बहुत ज्यादा छोटी लगे। तो बनियन ट्री है, तो बनियन ट्री इतना बड़ा तो नहीं हो सकता कि उसके सामने सब कुछ छोटा लगे, नहीं हो सकता ना। तो ह्यूज जो वर्ड है कब आता है? ह्यूज वर्ड का मत ह्यूज वर्ड का यूज कब होता है? जब हम कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि हमें वर्ड कौन सा काम में लेना है, हमें वर्ड काम में लेना है ह्यूज, बड़े का अर्थ काम में लेना है। तो ह्यूज की जगह और क्या आता है? ह्यूज के लिए हम दूसरा वर्ड क्या काम में लेते हैं? बिग काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? बिग। बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्लैंक में क्या आएगा? ब्लैंक में आएगा बिग। अब देखो फोर्थ, देखो फोर्थ में क्या है? फोर्थ में दे रखा है कैन ए जीनी बी एवर, बाद में है अनहैप्पी, ठीक है। फोर्थ में दे रखा अपन को ब्लैंक है, और ब्रैकेट में क्या है? अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब क्या होता है? अनहैप्पी का मतलब होता है जब हम खुश ना हो, तब क्या काम में आता है? तब अनहैप्पी वर्ड काम में आता है। आता नहीं आता? अरे जब हम खुश नहीं हो तो हम अनहैप्पी वर्ड काम में लेते हैं। तो इस अनहैप्पी का दूसरा मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब क्या निकले? जिसका मतलब ये निकले कि सुख दुखी होना। क्या निकलेगा उसको? उसको हम बोलते हैं सैड। तो सैड एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब भी क्या होता है? दुखी होना, ठीक है। और अनहैप्पी भी क्या होता है? दुखी होना। तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो मतलब क्या कहा गया कि हमें जो अनहैप्पी है उसकी जगह दूसरा वर्ड लिखना है, और वो कौन सा होगा? वो अपना होगा सैड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द जीनी वाज ब्लैंक फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप, ठीक है। और बाद में दे रखा है अपन को नोटेड। क्या दे रखा है? नोटेड ब्लैंक के अंदर। अब जो नोटेड वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? नोटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नजर में आना, ठीक है। क्या हो जाना? नजर में आ जाना, सबको पता चलना, ठीक है, सबको पता चल जाना, या फिर जानकारी में आना, ठीक है, पता चलना, जानकारी में आना, इसको बोलते हैं अपन नोटेड। तो इस नोटेड के लिए और दूसरा वर्ड जो काम में आता है, इसका जो सिनोनिम्स है वो हमें यहाँ पर इस ब्लैंक पार्ट में लिखना है। और वो क्या होता है? वो होता है फेमस। क्या होता है? फेमस। तो फेमस वर्ड इसका मतलब भी क्या होता है? फेमस का मतलब भी क्या होता है? सबको पता चलना, ठीक है। कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में सबको पता चल जाता है, तो वो चीज सब वो उस चीज की जानकारी सबको मिल जाती है, और हम उसी को क्या बोलते हैं? फेमस बोलते हैं या फिर नोटेड बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह है अपना है सेवेंथ। अब देखो, मैम रिंकूज फादर हैज ब्लैंक टुडे, तो सेवेंथ है, इसमें दे रखा है ब्लैंक है, और फिर बैक में दे रखा है एक्सपायर। क्या दे रखा है? एक्सपायर। अब एक्सपायर का मतलब क्या होता है पहले समझना हमें, ये है एक्सपायर जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है। क्या होता है? खत्म हो जाना। खत्म कैसे हो जाना? जब कोई चीज है वो काम करना बंद कर देती है तो उसे बोलते हैं अपन एक्सपायर, ठीक है। जैसे मेडिसिन आती है ना मेडिसिन, तो मेडिसिन के ऊपर हमें पता है कि मेडिसिन क्या होती है? मेडिसिन हमारी बीमारियों को सही करती है ना, करती है ना सही। तो इस मेडिसिन जो हमारी बीमारियों को सही करती है, इसका भी क्या होता है? एक टाइम होता है कि भाई ये जो मेडिसिन है वो इतना टाइम के लिए ही काम करेगी, और उसके बाद ये काम करना बंद कर देगी, मतलब एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। तो एक इंसान होता है वो क्या होता है? वो काम करना बंद करता है क्या? है नो सर, नहीं करता ना। यस सर। तो अपन इसमें एक्सपायर वर्ड के लिए एक दूसरा मीनिंग जो
काम जो अपन को यूज करना है वो क्या होगा, वो होगा डाइड। डाइड का मतलब क्या होता है, डाइड का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, ठीक है, क्या हो जाना, मृत्यु हो जाना। और एक्सपायर का मतलब भी क्या होता है, एक्सपायर का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट, वी सून विद व्हेन ही सा द रेड स्वैंकी स्पोर्ट्स कार, ठीक है। अब कोई बच्चा है उसके बारे में कहा गया कि वो क्या, वो एक रेड स्पोर्ट्स कार देखकर क्या हो गया, जॉय में आ गया, ठीक है। ब्लैंक में क्या दे रखा अपन को, ब्लैंक में दे रखा अपन को जॉय, और जॉय का मतलब क्या होता है, जॉय का मतलब होता है खुशी से भर जाना, बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है, वेरी हैप्पी। तो इस वेरी हैप्पी के लिए हम एक वर्ड काम में लेते हैं जॉय, और दूसरा वर्ड के काम में लेंगे इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है बहुत खुश होना, बहुत खुश होना, ठीक है। तो इस बहुत खुश होने के लिए हम दूसरा वर्ड और क्या काम में लेते हैं, वो हम काम में लेते हैं डिलाइट। क्या लेते हैं, डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट में क्या होता है, डिलाइट का मतलब भी क्या होता है, बहुत खुश हो जाना, ठीक है। तो ये अपने क्या होते हैं, ये होते हैं अपने सिनोनिम्स, जो कि एक जैसे वर्ड जो होते हैं वो, सॉरी, जो अलग अलग वर्ड होते हैं उनका उनका सबका मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। तो इन शब्द को हम कहते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। ऐसे वर्ड्स या फ्रेज जो अलग अलग होने पर भी उनका मतलब क्या निकले, उनका जो मीनिंग है वो सेम हो, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक है। जैसे नाइन्थ का है, नाइन्थ, इसमें बोल रखा है वी कंक्लूडेड आवर ब्लैंक विद डिनर एट ए रेस्टोरेंट, ठीक है, और फिर ब्लैंक दे रखा है और दे रखा है टूर। टूर का मतलब क्या होता है, टूर का मतलब होता है घूमना, बोलते ना टूर, यात्रा करना है ना, घूमना बोलते इसको, बोलते ना घूमना, टूर पे जाना, घूमने के लिए जाना, है ना। तो इस टूर के लिए हम दूसरा वर्ड और काम में लेते हैं, यात्रा करना, ठीक है, बोलते ना इसको, तो हम इसे काम में लेंगे ट्रिप। क्या लेंगे काम में, ट्रिप वर्ड। तो ट्रिप वर्ड इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है घूमने जाना, क्या होता है, घूमने जाना या घूमना, ठीक है, यात्रा करना या फिर कहीं पे टाइम पास करने के लिए घूमने जाना, ठीक है। टूर के, टूर जो वर्ड है इसके लिए अपना सेकंड वर्ड क्या काम में आ सकता है, वो आ सकता है ट्रिप, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म। अब आगे दे रखा अपन को एंथुजियाज्म, टेंथ में दिया है एंथुजियाज्म, ठीक है, ब्लैंक है, और फिर उसके बाद वर्ड दिया है एंथुजियाज्म। अब इसका मतलब सबसे पहले क्या होता है एंथुजियाज्म, मतलब इसका मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, उत्साह पूर्ण, ठीक है, उत्साह से भरा हुआ, कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें जब अपन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर वो काम करते हैं तो जो फीलिंग होती है एक्साइटेड होने की, खुशी की वाली फीलिंग जो होती है एक्साइटमेंट की, उसे हम बोलते हैं एंथुजियाज्म। तो इस एंथुजियाज्म के लिए जो वर्ड है वो क्या है, उत्साहपूर्ण, ठीक है। तो उत्साहपूर्ण के लिए हम दूसरा वर्ड क्या काम में ले सकते हैं, इस एंथुजियाज्म या उत्साहपूर्णता के लिए हम दूसरा वर्ड काम में लेते हैं जील, ZEAL, जील। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है एंथुजियास्टिक, उत्साह से पूर्ण, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे जील, ZEAL, जील का मतलब क्या होता है, एंथुजियास्टिक, उत्साह से भरा हुआ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इलेवेंथ में क्या है, इट वॉज ए ब्लैंक मॉर्निंग, ठीक है, और फिर दे रखा है प्लीजिंग। अब क्या होता है प्लीजिंग, प्लीजिंग का मतलब क्या होता है, प्लीजिंग का मतलब होता है खुशी कर, खुश करने वाली या फिर शांति देने वाली, उसे बोलते हैं अपन प्लीजिंग, ठीक है। प्लीजिंग का मतलब क्या होता है, प्लीजिंग का मतलब होता है सुख देने वाला, जो भी चीज होती है उसको बोलते हैं अपन प्लीजिंग। तो इस प्लीजिंग के लिए हम दूसरा वर्ड क्या काम में लेंगे हैं, वो हमें यहाँ पर लिखना है।
ठीक है। तो प्लीजिंग का मतलब क्या होता है, प्लीजिंग का मतलब होता है सुखकारी, जिसे ठीक है जिसे हमें देखकर बहुत अच्छा सुख लगे, सुख का अनुभव हो, ठीक है, शांति मिले, उसे अपन बोलते हैं प्लीजिंग। तो इस प्लीजिंग के लिए सेम वर्ड आता है एक प्लीजेंट, क्या आता है प्लीजेंट। इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, प्लीजिंग और प्लीजेंट, इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, सुखकारी, जिससे क्या हो बहुत आनंद की आनंद अनुभव हो, उसमें बोलते हैं अपन प्लेजेंट या फिर प्लीजिंग, ठीक है। अगला क्या है, देखो 12th में है, मूषक राज ब्लैंक दैट द एलिफेंट वर इन डेंजर, अब इसमें दे रहा है अपन को अंडरस्टैंड। 12th में क्या दे रखा है, ब्लैंक है और फिर दे रखा है अंडरस्टैंड। तो जो अंडरस्टैंड, इसका मतलब समझो पहले, अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, क्या होता है समझना, ठीक है, या फिर महसूस करना, ठीक है, समझना या फिर दूसरे को, दूसरे की बात को महसूस करना, इसे अपन बोलते हैं अंडरस्टैंड। तो इस अंडरस्टैंड के लिए एक दूसरा वर्ड काम में आता है, वो कौन सा होता है, वो होता है अपना रियलाइज, RELIZE, ठीक है, इसे बोलते हैं अपन। सर अंदर स्टैंड नहीं है, अंदर स्टूड है। हाँ अंडरस्टूड बेटा, बात ये की है, ठीक है, मतलब तो वही, इसका मतलब वही क्या है, समझना, ठीक है। तो क्या हुआ कि मूषक राज जो है वो यह समझ गया था कि, या फिर उसे यह महसूस हुआ कि एलिफेंट जो है वो खतरे में है, तो महसूस होने को हम क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंड बोलते हैं, समझना बोलते हैं। लेकिन जो चीज है यहाँ पर है रियलाइज, ये क्या होगा, ये आएगा, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है समझना या महसूस करना। ओके स्टूडेंट्स, आप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा सिनोनिम्स क्या होते हैं, जिसे कुछ समझ में नहीं आया है वो पूछ सकता है अभी। सर कुछ सर सब कुछ समझ में आ गया। यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। ठीक बाय सर, आप भी अपना ध्यान रखना। है बेटा, बाय।